हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर टू। ओके, तो डे वन स्टार्ट हो चुका है और हम कहीं तो है बेसमेंट में। इस गेम में क्या होता है कि हमको ग्रैनी ने एक कमरे में बंद करके रखा और हमें एस्केप करना है। एस्केप करने के हमारे पास तीन रास्ते हैं और आज हम उनमें से एक एस्केप करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, सामने से ही ग्रैंड पार है, बट इसमें चेक करते हैं इसमें क्या है। उधर ग्रैंड पार है तो इधर चलेंगे, बस ग्रैनी नहीं मिलनी चाहिए वरना हम फंस जाएंगे इधर। ओके, यहाँ पे कोई नहीं है, साय से ग्रैनी ऊपर है। इसके अंदर चेक करते, ये तो खाली पड़ा हुआ है, ये तो खाली है भाई। इसके अंदर कुछ है शायद, हेलीकॉप्टर की। ओके, हमें हेलीकॉप्टर की मिल चुकी है, बट हम इसमें आज डोर एस्केप करेंगे तो हेलीकॉप्टर की का कोई यूज नहीं है। गेट बंद कर लेते हैं। यहाँ पे तीन डोर है, इसमें हमें कुछ मिल जाए। पर खाली पड़ा हुआ है। डोर एस्केप करने के लिए मेन हमें चार चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सामने ही ग्रैनी है और इधर ग्रैंडपा है, तो दोनों नीचे, हम ऊपर चेक करते हैं। चार चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहली होती है हैंड व्हील, कटिंग प्लायर, क्रोबार एंड डोर हैंडल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो खाली है, यहाँ तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है, ये भी खाली है। ग्रैनी तो नहीं आ रही, नहीं। दोनों नीचे हम अच्छे से चेकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो सब कुछ खाली, पर कुछ मिलेगा भी। इसके अंदर चेक करते हैं, इसके अंदर है, इसके अंदर रेंच है। रेंच का यूज पता है हमें, बट अभी हमने शोर कर दिया है। तो ग्रैनी आने वाली है, तो ग्रैनी उधर से आएगी, तो हम इधर से, एक गेट होता है इसको ओपन कर देते हैं, हम इधर से चले जाएंगे, ये वाला गेट। और इससे पहले हम इसके घर में कुछ चेक कर लेते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। हमें स्टन गन मिल चुकी है, स्टन गन मिल चुकी है। तो पहले एक बार ग्रैनी और ग्रैंडपा को सुला के आते हैं। ग्रैनी, ग्रैंडपा, कहाँ हो तुम? इधर आओ। आई सी यू बेटे, पहले तो ये खा। तेरी पत्नी कहाँ है? वो उसको बोला, ग्रैनी, ग्रैनी वे आर यू? इधर आ ग्रैनी, तू भी खा। और ग्रैंडपा के गले में इसके कमरे की चाबी होती है। ओए ग्रैंडपा, उल्टा पड़ा हुआ है, सीधा हो जा बेटे, चाबी दे तेरे रूम की, चाबी दे दे सिक्योरिटी की। अच्छा, सिक्योरिटी की खोलो। इसके अंदर एक डोर होती है, इसके अंदर कुछ है। ओके, हमें डोर हैंडल मिल चुका है। तो गाइस, हमें डोर हैंडल मिल चुका है और हमें क्रोबार और मिल जाए। क्रोबार अभी तक हमें दिखा नहीं है, तो डोर हैंडल को नीचे लगा के आते हैं मेन डोर में। डोर हैंडल यहाँ पे लगता है इधर, और अब चेक करते हैं हम। पहले रेंच का यूज कर आते हैं। रेंच का यूज नीचे होता है, जहाँ पे वो स्पाइडरमैन रहता है, चार टांगों वाला। ओके, आप इस रेंच का यूज करके आते हैं, यहीं पे होता है रूम, बगल वाला रूम है। इससे पहले इसको खोल देते हैं। इधर ही रेंच का यूज होता है, नीचे जाके हमें स्क्रू खोलना होता है, इससे पानी ख़त्म हो जाता है। ओके, हमने ग्रैनी और ग्रैंडपा भी जिंदा हो गए होंगे। सबसे पहले ऊपर चलते हैं। ओके, तो हम ऊपर आ चुके हैं और एक बार स्टन गन उठाते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा को फिर से मार गए, पर उससे पहले हम चेक कर लेते हैं इसके रूम में, छानबीन कर लेते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स होता है, इसके लिए हमें क्रोबार की ज़रूरत पड़ेगी। क्रोबार अभी तक हमें मिला नहीं है। ऊपर चेक करके आते हैं, क्या पता क्रोबार हमें ऊपर मिल जाए। और हमें व्हील हैंडल की ज़रूरत पड़ेगी। इधर एक रूम होता है, इसके अंदर चेक करते हैं पहले। ओके, तो हमें हैंड व्हील भी मिल चुका है और
इधर चेक करके आते हैं इसमें क्या है। इसके अंदर वेपन की, हमारे पास वेपन की भी मिल चुकी है, हैंड भी मिल चुका है। उससे पहले ग्रैनी और ग्रैंडपा को एक बार और मार के आते हैं। हेलो ग्रैनी ग्रैंडपा, कहाँ हो तुम? उन्हें बुलाना पड़ेगा, शोर करना पड़ेगा पहले। ग्रैनी आ गई भाई, शोर करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैनी आ गई, ग्रैनी की मारती। ग्रैंडपा भी कैमरे में देखता रहता है, ये ले ग्रैनी। ग्रैंडपा कहाँ गया? होए ग्रैंडपा, कहाँ है तू? इधर आओ, सुनता तो है नहीं उसको। ओ ग्रैंडपा बेटे बाहर, हाँ ये आया ना, ये ले। आई सी यू, इधर वापस दे। और हेलीकॉप्टर की है ये, तो वेपन की लेकर आते हैं, वेपन को खोलते हैं और उसको मार के आते हैं। चार टांगों वाला है ना, जो चार पैरों पर चलता है, उसको मार के आते हैं। उधर भी एक की होती है, सबसे पहले वेपन की उठाते हैं यहाँ से और वेपन लेके आते हैं। इनमें तो कुछ नहीं है, यहाँ पे पीस ऑफ पेंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। पीस ऑफ पेंटिंग मैंने नीचे ही देखा था, हैंड व्हील है यहाँ पे, पर उससे पहले हम वेपन लेके आते हैं और इसको भी खोल देते हैं। इसके अंदर क्या पता हमें क्रोबार मिल जाए, क्रोबार मिल जाए तो फिर हम शायद से एस्केप। ओह हमें क्रोबार भी मिल चुका है, ओके हमें क्रोबार मिल चुका है, पर उससे पहले हम वेपन लेके आते हैं। वेपन उधर ही होता है नीचे, यहाँ पे वेपन की का यूज होके हमें वेपन मिल जाएगा, शॉर्ट गन। ये शॉर्ट गन है हमारे पास, इसको रिलोड कर लेते हैं और चलते हैं इसको मारने। ओए कहाँ जा रहा है वो? इधर आ बैठे, देखो तो यहीं से मारूंगा। ये ले, यहाँ पे की होती है, कौन सी की है? सेफ की, ओके हमें सेफ की मिल चुकी है। सेफ की उठाते हैं, और सेफ की का यूज़ नीचे ही होता है कहीं, मैंने देखा था सेफ की का यूज़ कहीं तो होता है। पहले इसका यूज करके आते हैं, क्या पता हमें कटिंग प्लायर मिल जाए। बस हमें कटिंग प्लायर मिलते ही हम एस्केप कर लेंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ मिल चुकी है बस कटिंग प्लायर छोड़ के। एक गैसोलीन पड़ा हुआ है इधर, गैसोलीन की ज़रूरत ही नहीं है, कटिंग प्लायर चाहिएगा। कटिंग प्लायर अभी तक हमें मिला नहीं है, एक जगह और चलते हैं, शॉटगन ले लेते पहले। ग्रैनी और ग्रैंडपा भी फिर से जिंदा हो गए होंगे, उन्हें फिर से मार के आते हैं। अभी तक ग्रैनी और ग्रैंडपा मुझे मार नहीं पाए, क्या पता हम डे वन में ही कंप्लीट कर लें। ग्रैनी और ग्रैंडपा ने अभी तक हमें मारा नहीं है, पर चलते हैं। ग्रैनी ये आ चुकी है, ग्रैनी तू खा, इधर आ बेटी। मिस हो गया भाई, गया था मिस हो गया। और ग्रैंडपा भी यहीं कहीं होगा, आ रहा होगा ग्रैंडपा भी। ग्रैनी ग्रैंडपा कहाँ पे है बता, कहाँ है ग्रैंडपा बता तू? अच्छा उधर है भाई, सच में आ लिया, मिस हो गया। सही है, मैंने दो रिलोड कर ली, आप ही गया था भाई, मिस हो गया था। अभी बना दिया बूट ग्रैंडपा मेरा, ओके। यहाँ पे हैंड व्हील है, पहले हैंड व्हील का यूज करके आते हैं। हैंड व्हील का यूज नीचे होता है बेसमेंट में, और यहाँ पे क्रोबार भी है, पहले हैंड व्हील का यूज करते हैं फिर हम क्रोबार का यूज करेंगे, ओके। हैंड व्हील का यूज यहाँ पे होता है, उससे वो पिंजरा सा है ऊपर हो जाता है। हैंड व्हील का यूज हो चुका है, इसके अंदर डक टेप पड़ी है भाई, डक टेप का कोई यूज नहीं, हमें बस कटिंग प्लायर दे दो, हम एस्केप कर लेंगे। कटिंग प्लायर मिल जाए, इसका कोई यूज है नहीं अभी, तो इसको यहीं फेंक देते हैं। और क्रोबार उठाते हैं, क्रोबार देखा था हमने, यहाँ पे पीस ऑफ पेंटिंग पड़ा हुआ है, इसको लगा कर आते हैं पहले।
पीस ऑफ पेंटिंग ऊपर लगती है। यहाँ पे पीस ऑफ पेंटिंग लग गई है और शॉर्ट गन यहीं पड़े हैं, शॉर्ट गन को भी रिलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें कटिंग प्लायर के साथ साथ पैडलॉक की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसको खोलते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं क्या है। इसको खोलने के लिए भी हमें कटिंग प्लायर की ज़रूरत है, तो चलते हैं पहले क्रोबार का यूज करते हैं सबसे पहले। उससे पहले ग्रैनी और ग्रैंडपा भी अभी ज़िंदे हो गए होंगे दोबारा से, हमें पैडलॉक की मिल जाए। ओह, हमें पैडलॉक की भी मिल चुकी है। बस गाइस, हमें कटिंग प्लायर और चाहिए और हम यहाँ से एस्केप कर लेंगे, वो भी डे वन के अंदर ही। तो एक बार उससे पहले ग्रैन और ग्रैंडपा को फिर से मज़ा चखाते हैं थोड़ा। ग्रैनी, ग्रैंडपा कहाँ हो तुम? वो ऐसे नहीं आएंगे, उनको बुलाने के लिए पहले हमें शोर करना होगा। जहाँ पे शोर होता है ग्रैनी ग्रैंडपा आ ही जाते हैं। पहले शोर करते हैं। ग्रैनी, वेयर आर यू? ग्रैनी, भाई आ जा, वेट कर रहा हूँ इतनी देर से। ग्रैनी, ग्रैनी, ग्रैंडपा कहाँ हो तुम दोनों? ग्रैनी ये आ गई। ग्रैनी, भाई इधर आ, इतनी देर से बुला रहा, कहाँ है तेरा पति, कहाँ है? उसको बुला, उसको बताता हूँ। ओए ग्रैंडपा, कहाँ है तू? ग्रैंडपा, ओ ग्रैंडपा, भाई नहीं रहा है, कहाँ गया? ये आया, इधर आ, तू भी खाए। आई सी यू। मैं बस अब कटिंग प्लायर चाहिए, उससे पहले पैडलॉक की उठाते हैं और नीचे जाके लॉक खोल के आते हैं। तो पैडलॉक की का यूज दो जगह पे होता है, एक तो यहाँ पे होता है, ये डोर का लॉक खुल चुका है, और पैडलॉक की का यूज एक नीचे होता है बेसमेंट में, जहाँ पे बोर्ड होती है, उधर चेक करके आते हैं, क्या पता हमें उधर कटिंग प्लायर मिल जाए और फिर हम यहाँ से एस्केप कर लेंगे फाइनली। तो ये क्या है, ये रहा, इसके अंदर तो लीवर होता है, इसको खोल दिया। यहाँ पे तो इसका अब कोई यूज नहीं है। क्रोबर उठाते हैं, उनसे बॉक्स खोलते हैं, क्या पता उनके अंदर कटिंग प्लायर हो। ओके, क्रोबर ऊपर है, हमने ऊपर देखा था, क्रोबार यही होना चाहिए। इसको उठाते, इसको रिलोड कर लेते हैं, और क्रोबार कहाँ था? क्रोबार हाँ यहाँ पर था, क्रोबार, क्रोबार लेके आते हैं, वो बॉक्स खोलते हैं और कटिंग प्लायर मिलता ही हम यहाँ पे एस्केप कर लेंगे। ये रहा बॉक्स, इसको खोलो, इसको, फाइनली हमें कटिंग प्लायर मिल चुका और हम एस्केप हो गया गाइस, एस्केप हो गया, डे वन के अंदर ही होगा एस्केप। इसको खोलते हैं, क्रोबार उठाते हैं और चलते हैं एस्केप। कहाँ था क्रोबार? क्रोबार पर उससे पहले एक बार ग्रैनी और ग्रैंडपा को फिर से मार के जाएंगे। लास्ट टाइम ग्रैनी और ग्रैंडपा को हम ही मारेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें एक बार भी नहीं मारा है, लास्ट टाइम भी हम मार के जाएंगे। इधर आ ग्रैनी, अपने पति को साथ लाया कर, इतना टाइम लगा था आने में, कहाँ है वो? ग्रैंडपा, पर कहाँ है तू? पर जल्दी से आ जाओ, जाने वाला हूँ, एस्केप कर ही दिया है ऑलमोस्ट मैंने, बस तेरी मारने की देरी है। ओके, ग्रैनी ग्रैंडपा को हमने फिर से मार दिया और क्रॉस बोर्ड आते हैं और एस्केप करते हैं। फाइनली हम एस्केप करने वाले हैं और हम एक बार भी नहीं मरे हैं। ओके, तो फाइनली हमने एस्केप कर लिया है। तो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।